नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति राजपूत प्राइम मोटिवेशन चैनल के इस परिवार में आपका स्वागत करती हूं। आज फिर एक बड़ी प्यारी कहानी याद आती है। रमा रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उस रमा ने पुजारी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी ने पूछा, क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूँ लोग मंदिर परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बात करते हैं। कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है, कुछ पूजा कम पाखंड दिखावा ज्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहा, सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं? महिला बोली, आप बताइए क्या करना है। पुजारी ने कहा, एक गिलास पानी भर लीजिए और दो बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त ये है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं ऐसा तो कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा ही कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से तीन सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? दूसरा सवाल, क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? तीसरा सवाल, क्या किसी को पाखंड करते देखा? महिला बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी बोला, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान ग्लास पर था कि इसमें से पानी ना गिर जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप मंदिर आए तो अपना ध्यान सिर्फ परमपिता परमात्मा में ही लगाना, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही सर्वत्र दिखाई देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जीवन में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? न भगवान, न ग्रह नक्षत्र, न भाग्य, न रिश्तेदार और न ही पड़ोसी। जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपका सिरदर्द फालतू विचार का परिणाम, पेट दर्द गलत खाने का परिणाम, आपका कर्ज जरूरत से ज्यादा खर्चे का परिणाम, आपका दुर्बल मोटा बीमार शरीर गलत जीवन शैली का परिणाम, आपके कोर्ट केस आपके अहंकार का परिणाम, आपके फालतू विचार ज्यादा व व्यर्थ बोलने का परिणाम। उपरोक्त कारणों के अलावा सैकड़ों कारण हैं और बेवजह दोषारोपण दूसरों पर करते रहते हैं। इसमें ईश्वर दोषी नहीं है। अगर हम इन कष्टों के कारण पर बारीकी से विचार करें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी मूर्खताएं ही इनके पीछे हैं। ये कहानी थी आप सभी के लिए। एक और नई कहानी के साथ कीर्ति राजपूत फिर करेगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर।